नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसटीएफ न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के अंदर जो सभी हरियाणा की 90 सीटें हैं उनका सर्वे किया गया है और कौन सी सीटों के ऊपर कौन सी पार्टी मजबूत है और कौन सी पार्टी इस वक्त वो बहुमत की तरफ बढ़ रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर वो चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि जनता जननायक पार्टी जो नई पार्टी बनाई है दुष्यंत चौटाला ने, वो भी सभी पार्टियों को वो कड़ी टक्कर दे रही है। अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अंदर 47 सीटें वो जीती थी। उस वक्त इनका जो श्रोमणी अकाली दल के साथ अलायंस भी था, साथ में बहुत ज़्यादा वो मोदी लहर भी थी। और अगर बात करते हैं 2019 की, तो इस वक्त है वो 42 से 45 सीटों के ऊपर है वो विजय हासिल है वो करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर इनका नुकसान हो रहा है श्रोमणी अकाली दल से गठबंधन टूटने पर भी। अगर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने 2014 के अंदर हरियाणा विधानसभा चुनाव में 15 सीटों के ऊपर वो विजय हासिल की थी। परंतु इस बार इस पार्टी की जो हालात है वो थोड़ी खस्ता लग रही है, जबकि फिर भी सर्वे के अंदर निकल कर आ रहा है कि 2019 के अंदर 12 से 15 सीटें वो जीत सकती है। और इनके अंदर नुकसान होने का मुख्य कारण ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री है और अशोक तंवर दोनों के बीच के अंदर वो आंतरिक जो कलह है उनके कारण वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा नुकसान है वो हो रहा है। जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD जो है उन्होंने 2014 के अंदर वो 19 सीटों के ऊपर जीत हासिल की थी। परंतु 2019 का जो चुनाव इनके लिए बहुत ही एक बड़ी अग्नि परीक्षा के रूप में वो होने वाला है, क्योंकि इस वक्त दुष्यंत चौटाला जो इस पार्टी से अलग होकर जनता जननायक पार्टी वो बना ली है, जिससे इस बार इनकी जो सीटें वो बहुत कम आने की संभावना लग रही है। जहां तक सर्वे की बात करें तो 8 से 10 सीटों के ऊपर ही जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। और इसका मुख्य कारण ये है कि श्रोमणी अकाली दल के साथ इनका गठबंधन होना ही इतनी सीटों के ऊपर जीत हासिल। जबकि हरियाणा की नई पार्टी बनी 2019 के अंदर यानी 10 महीने पहले पार्टी जो बनी थी जनता जननायक पार्टी दुष्यंत चौटाला के द्वारा बनाई गई थी। इस पार्टी ने सभी को नुकसान पहुंचाया और ये एक पार्टी अच्छी स्थिति के अंदर वो पहुंच गई है। जनता जननायक जो पार्टी वो 20 से 25 सीटें हासिल करती हुई वो दिखाई दे रही है और मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरती दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर बात करते हैं युवाओं की, तो युवाओं के अंदर सबसे ज़्यादा दुष्यंत चौटाला का इस वक्त वो क्रेज है। काफ़ी सीटें हरियाणा के अंदर ऐसी भी है जहां पर जननायक जनता पार्टी है वो दूसरे नंबर पर रहती हुई दिखाई दे रही है, परंतु अगर 1 या 2% वोट शेयर इधर उधर हुआ तो जनता जननायक पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मैंडेट भी ले सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब